नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। 2 जून को कटारा ओपी के सुमेरगंज क्षेत्र में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा एक युवक को जो बारात में आया था, महुआ क्षेत्र में बारात आई हुई थी, छपरा जाने के दौरान उसके घर लौटने के क्रम में कॉलेज के समक्ष उसको लूट लिया गया था, जिसमें उसकी बाइक, उसका मोबाइल और उसके पर्स के साथ उसके कागज पत्र थे, वो लूट लिया गया था। तो उसको उसी क्रम में हमारी पूरी पुलिस टीम उसमें लगी हुई थी कि काफ़ी बड़ी घटना है, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोड जो सिक्योरिटी बनी रहे और रोड पे जो घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा संवेदनशील है। तो इसे लेकर हमारी पूरी टीम, DIM टीम के टीम और SP सर के अध्यक्षता में जो टीम बनी हुई थी इसके लिए SIT, वो काम कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने सफलता पाई है। और इसमें 3 अपराधकर्मी पुनः उस कटारा क्षेत्र में, इनका एक और प्लानिंग थी कि ये लोग लूट करें, ये स्पेशली बाइक को लूट करते हैं और इसके बाद ये लोग जाके दूसरे क्षेत्रों में बेच देते हैं। इसी क्रम में इनको घटनाक्रम कार्य करते हुए ही इनको गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि 2 जून को जो घटना की गई है उसमें ये लोग शामिल थे। इन लोगों से पूछताछ की गई तो इनके पास जो गोल के लूट के सामग्री थी, मोबाइल, पेपर्स और जो बाइक लूटी गई थी, वो इन लोग के पास से बरामद किया गया। ये तीनों जो अभियुक्त हैं, अबोध महतो जो थाना करजा जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, संजीव कुमार महुआ के ही हैं और मिथुन कुमार सिंघाड़ा महुआ के हैं, ये तीनों आपस में मिले थे और इन लोग की आपराधिक हिस्ट्री भी है और ये तीनों पुनः इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस बार जो ये लोग की गिरफ्तारी हुई है, साथ में हमारी पूरी तरह से जो चीज़ें लूटी गई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। तो ये हमारी एक हमारी जो टीम है उसकी एक सफल उद्भेदन किया जाएगा कि सिर्फ अरेस्टिंग ही नहीं, साथ ही साथ जो आर्थिक क्षति हुई है पीड़ित की उसकी भी भरपाई की गई है। क्या क्या बरामद? पास एक कट्टा था, 3 कारतूस बरामद हुए हैं, एक लोहे का चाकू ये लोग जो बाइक को खोलने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाकू इनके पास मिला है। लूट में जो शामिल था बाइक वो बरामद किया गया है और जो पूर्व के केस में 2 जून को जो लूटी गई थी कटारा क्षेत्र में, वो बाइक भी बरामद कर ली गई है। साथ में उसी पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल, रेडी कंपनी का मोबाइल लूटा गया था जो इन अपराध कर्मियों के पास से बरामद किया गया है। आधार कार्ड और कुछ कागजात जो व्यक्ति के लूटे गए थे वो इनके पास से बरामद किए गए। लगातार महुआ अनुमंडल क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना बढ़ी हुई है, पुलिस क्या क्या एक्शन कर रही है? देखिए, इस तरफ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी रोड घटनाएं जो रोड पे हो रही हैं उनकी सेफ्टी बनाई जाए और अंकुश लगाया जाए, इसीलिए लगातार छापामारी चल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। और इसको हम लोग रोक सकें इसके लिए हम लोग की जो गश्ती पार्टी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, उन्हें भी सुचारू रूप से नए निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके डायरेक्शन चेंज किए जा रहे हैं और जो रूट है वो प्लानिंग की जा रही है। कोशिश है कि जहाँ जहाँ CCTVs लगे हैं उनको भी देखा जाए, चेक किया जाए कि वो काम कर रहे हैं।